रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा मेरिट बनाने वाला है, जो आपको एग्जाम में आपको नंबर दिलाने वाला है, जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाने वाला है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। वो क्या टॉपिक है, तो वो है सीबीटी टू। आखिर सीबीटी टू है क्या, कॉमन सवाल आपके मन में हो कि आखिर ये सीबीटी टू है क्या जिसके आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये सीबीटी टू जो होती है वो आपका सेकेंड एग्जाम होता है। सेकेंड एग्जाम नहीं समझ में, आप शुरू से समझाइए। चलिए आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं सीबीटी टू की बात कर रहे हैं वो क्या है। देखिए सीबीटी वन आप जब रेलवे में की एलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जब फॉर्म आएगा आप फॉर्म डालिएगा, तो उस समय आपको पहले सीबीटी वन के लिए फॉर्म डालना होगा जो कि 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 75 नंबर का होगा। समय कितना मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा, यानी कि 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आपको 75 नंबर करने रहेंगे, यहां तक समझिए। उसके बाद आते हैं अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो, अगर आप मेरिट में बनते हैं, मेरिट यहां से नहीं बनेगा, अगर आप जो उस समय का कट ऑफ होता है सीबीटी वन का कट ऑफ उससे आप ज्यादा लाते हैं तो उसमें आ जाइएगा, सीबीटी वन में आ जाएगा। जब सीबीटी वन आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप लिख देगा कि आप यस है, आप सीबीटी टू का फॉर्म डाल सकते हैं। फिर सीबीटी टू के बारे में आइए, सीबीटी टू में क्या होता है, वो दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हम हमेशा जो चर्चा करते हैं ना वो पार्ट ए के लिए चर्चा करते हैं, पार्ट बी के लिए नहीं चर्चा करते, लेकिन पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है, वो मेरिट नहीं बनाता लेकिन क्वालिफिकेशन वो रखता है, उसके बिना आप नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सीबीटी वन में भी वही सिलेबस पढ़ना है जो सीबीटी टू में है, मतलब सीबीटी टू में कुछ ज्यादा पढ़ना होता है, इसलिए हम सीबीटी टू को फोकस करके चलते हैं कि अगर आपका सीबीटी टू कंप्लीट हो गया तो सीबीटी वन इजी कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि सीबीटी टू का थोड़ा सिलेबस हार्ड है, हार्ड नहीं है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, उसमें बेसिक साइंस ज्यादा पढ़ना होगा, आपको फिजिक्स का वहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, केवल यही उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, नहीं तो सीबीटी वन और सीबीटी टू का जो पार्ट ए है वो दोनों कॉमन होता है, समझ में आ रहा है। और सीबीटी टू का जो पार्ट बी होता है वो ट्रेड सेक्शन होता है, जिस भी आप ट्रेड को चूज करना चाहे इजी आप चूज कर सकते हैं, आप उसे चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले फिटर कोई भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही ट्रेड लीजिए, लेकिन यहाँ पे फायदेमंद वो रहेगा जिस ट्रेड से आप पढ़ाई किए उस ट्रेड को चुनिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपका ये मेरिट कैसे बनाएगा, आप मेरिट पे चर्चा कर देते। देखिए मेरिट इस तरीके से बनाएगा कि अगर आप सीबीटी टू की पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी पार्ट ए सीबीटी टू के पार्ट ए पे ज्यादा फोकस करते हैं तो वहां से आपका सीबीटी वन इजिली निकल जाएगा, और सीबीटी टू का जो मेरिट अगर सीबीटी टू पे पकड़ बन जाती है पार्ट ए पे तो वहां से आपका मेरिट भी बन जाएगा, यानी कि एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। तो हम क्यों ना वो काम करें जिससे एक तीर से दो निशान हो जाता है, निशाना हो लग जाएगा। और पार्ट बी को आप लोग भूल के, मतलब इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, अगर भूल के नेगलेक्ट कीजिएगा तो एग्जाम आपको नेगलेक्ट करके भगा देगा, इसलिए पार्ट बी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, समझ में आ रहा है। तो पार्ट बी भी अभी जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले होंगे उसमें से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ट्रेड सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, 90% नहीं 50% ऐसे मान के चलिए, 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ट्रेड का नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बड़ी बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, पिटने वाले हैं वो लोग सीधे बाहर चले जाएंगे, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि भाई जब फॉर्म आएगा ना उस समय से ट्रेड पढ़ना चालू करते हैं, जो कि वहां पे उसी तरीके का कहावत यहाँ पे सूट करता है कि भोज के बेरी कुम्हरा रोपने का ये कहावत सूट करता है, गांव देहात में बोला जाता है कि भोज की बेरी कुम्हरा नहीं रोपना चाहिए, ठीक है ना, तो ये चीज वहां पे सूट कर जाती है। तो आपको ये काम वहां पर नहीं करना चाहिए, अभी से ही आप अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, ट्रेड सेक्शन जरूर तैयार कीजिए। और हम हमेशा सीबीटी टू के पार्ट ए पे फोकस करते हैं जहां पे बेसिक साइंस की क्वेश्चन की संख्या 40 रहती है, जबकि इसमें टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1.5 घंटे का समय 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 1 मिनट से कम समय में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन पार्ट बी की बात करें तो ट्रेड सेक्शन में 75 क्वेश्चन और 60 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, ठीक है। बहुतों का क्वेश्चन आता है कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या दोनों एक ही साथ होगा, हाँ दोनों एक ही साथ होता है, बीच में आपको समय दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड के बाद आपको साइको का एग्जाम लिया जाएगा, जब साइको वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको डीवी कराया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद डीवी कराया जाता है, तो ये सारी प्रोसेस कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बताना क्या चाहते हैं सर, हम सर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा फोकस करना है
सीबीटी टू के पार्ट ए पे फोकस करना है, चूंकि वहां पे मैथ 25, रीजनिंग 25, टोटल 50 नंबर यहाँ खत्म, 50 नंबर बच गया, 50 नंबर में 40 नंबर आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग उठा के ले जाएगा, उसके बाद 10 नंबर तो जीके और करंट अफेयर्स बच गया। तो हम हमेशा अभी भी कह रहे हैं कि आप जीके और करंट अफेयर्स पे अन्य की अपेक्षा कम समय दीजिए उस पर, यानी कि ना के बराबर उसमें आधा घंटा ही देख लीजिए बहुत है, लेकिन हम तो कहते हैं कि अभी उसको मत पढ़िए, आप उसे एग्जाम जब फॉर्म आ जाए उस समय उससे पढ़ना शुरू कीजिएगा। तब तक आपका बेसिक साइंस इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका 90 नंबर अपने हाथ में रहेगा। जब 90 नंबर हाथ में रहेगा तो मेरिट से कोई नहीं आपको बाहर निकाल सकता है। ये डेडिकेशन होना चाहिए 90 नंबर के लिए। अगर मान के चलिए 90 नंबर है, कितना भी नीचे गिरेंगे तो आप 80 पे अटकिएगा, 70 पे अटकिएगा, उससे भी ज़्यादा आपका किस्मत खराब है तो 60 पे अटक जाइएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं नीचे गिरिएगा। ये तो बहुत बुरी किस्मत वालों को मैंने बता दिया 60 पे अटक जाइएगा। अगर 60 पे भी 65 पे भी अटक जाते हैं तो आपका अगर किस्मत सही रहा तो आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 90 पे टारगेट कीजिए, 90 से आप 80 पे भी आइएगा तो किसी भी जोन से रहिए आप इजीली वहाँ पे आपका मेरिट बन जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप मेरिट बनाने के चक्कर में पड़िए। इसलिए हम आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ऐसे कह सकते हैं, हम सभी के लिए, ठीक है ना, ये आप सभी वाली बात छोड़िए, अब हम सभी के लिए 1 फरवरी से रात के 10 बजे से शुरू करने वाले हैं डिस्कशन। किस चीज़ का करने वाले? तो बेसिक साइंस का करने वाले हैं। और आप सबके लिए जो भी ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होगा, अगर आप कमेंट करिएगा, अगर आपको पसंद होगा तो मैं ड्राइंग का आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको बना के देते चलूंगा। जैसे मैंने लाइंस का ड्राइंग का बनाया है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का बना के दे दिया है, उसी तरीके से मैं इसको वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको देते चलूंगा। चूंकि इसका कोई प्रॉपर बुक नहीं है, इसलिए आप इसके बुक के पीछे मत पड़िएगा, सब नोट्स ही आपको देगा, जिनके पास भी आप पढ़ते होगा केवल आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आप चाहिएगा तो मैं इस सेक्शन को सेशन को चालू करूंगा, नहीं तो इसको छोड़ दूंगा, ठीक है ना। और डिस्कशन में क्या होगा? डिस्कस में आपको पार्ट वाइज पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और न्यूमेरिकल भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। समय का अभाव है, नहीं तो मैं न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे ही बता देता, मतलब क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो हर क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर सॉल्यूशन कर देता, लेकिन समय कम है इसलिए मैं उसको वहां पे नहीं करूंगा, क्लियर है। अब क्या होगा? अब केवल एक ही चीज करना है, डिस्कशन में आपको भाग लेना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिए। जो भी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले हैं वो भाग ले सकते हैं, जीके जीएस आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं आती, जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं हो जाता, तब तक ये डिस्कशन क्लास रेगुलर चलेगी। हम कहीं रहे चाहे नहीं रहे, मतलब हम रहे चाहे नहीं रहे, ये आपका क्लास चलेगी, डेली चलेगी, रेगुलर चलेगी। तो आप लोग यहाँ पर रेगुलेटरी मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि ये बोरिंग क्लास होने वाली है। डिस्कशन एक तरीके से बोरिंग होती है, लेकिन हम इसे बोरियत नहीं बनने देंगे, हम इसे इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे। क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वहाँ पे पढ़ने का मजा ही दुगुना हो जाता है। और जब मन लगता है पढ़ने में और पढ़ने का मजा दुगुना हो जाए तो आप समझते हैं तैयारी किस लेवल की हो जाएगी। तो हम लोग इस लेवल की तैयारी करेंगे ताकि अगर कट ऑफ यहाँ पर भी रहे तो हम कट ऑफ से इतना आगे रहें। अरे समझ में, हम लोग कट ऑफ से इतना आगे रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है? तो आप लोग को बस हमारे साथ जुड़ के रहना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए, क्योंकि डिस्कशन की रफ्तार हम लोग तेज करने वाले हैं। डिस्कशन 1 तारीख से शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन खत्म ज्वाइनिंग लेटर के बाद तक होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ये जीके जीएस संपूर्ण चलेगा। जीके को मैं पहले भी बता दिया कि नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा ना थोड़ा जीके हम डालते चलेंगे ताकि आपका जीके भी प्रॉपर चलते चले, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? सर आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स को काहे मना कर रहे हैं? मना करने के पीछे रीजन है बाबू, क्योंकि जीके में आता है 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट आती है, और 4 सब्जेक्ट से पूछता है केवल 5 नंबर। तो कहीं की समझदारी बन जाती है कि आप इसकी तैयारी करें? अगर जो सीरियस तैयारी करने वाले, मैं उसके लिए बता रहा हूं, तो कहीं की समझदारी नहीं बनती है कि आप ये जीके को लेके चले, ढो के चले। डेली 1-1 घंटा अगर उस पर भी देते हैं, अगर उसको उठा करके आप साइंस में दे दीजिएगा ना, तो आपका मेरिट बढ़ा देगा। 1 नंबर भी बढ़ा दिया तो आप कई हजार लोगों से ऊपर चले आइएगा, यानी मेरिट की जो यहाँ पे कटअप है, ये वाली कटअप है, इससे आप ऊपर चले जाइएगा। और समझते हैं ना सेफ जोन कौन सा होता है? कितना भी बताना पड़ेगा हमको, सेफ जोन कटअप से ऊपर वाला होता है। और हम लोग जो तैयारी करेंगे कटअप को देख कर नहीं तैयारी करेंगे, हम लोग सेफ जोन से ऊपर तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग को मेरिट में नहीं, मेरिट में आना है, ना कि कटअप में आना है। कटअप में नहीं आना, हमको मेरिट में आना है। इसलिए बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। कितने तो हमारे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं, मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी मानसिकता है, वो वही करते रह जाएंगे। लेकिन हमको जॉब लेना है, हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ेंगे और डिस्कशन करते चलेंगे, और हम लोग एक साथ, और सभी को जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा सभी के हाथ में, सभी एक साथ मिल करके एक
ग्रैंड सेमिनार करेंगे, ठीक है, उसमें जोश एकदम जुनून के साथ कहेंगे कि हम लोगों ने ऐसे किया था ऐसे किया था, क्योंकि सफलता की कहानी सब लोग सुनना चाहते हैं, असफल लोगों को की कोई कहानी नहीं सुनना चाहता। इसलिए आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए कि सफल होना है, ठीक है। तो इसी जुनून के साथ मिलते हैं कल वाली वीडियो में, यानी कल जो है 10 बजे रात से 1 फरवरी से डिस्कशन चलेगा रात के 10 बजे से, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, ठीक है। मैं ये आपको नहीं कह रहा है कि आप एकदम जबरदस्ती है यहाँ पे आइए, पसंद होगा तो ही रहिएगा, नहीं तो आप एक्स्ट्रा भी मतलब जो काम करना है कर सकते हैं, ठीक है। केवल मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि सजेशन दूसरों की गलती से सीखने वाला ही सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता है, अपनी खुद की गलती करके सीखना कहीं की समझदारी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी अप्रोच के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।